इकोनॉमिक टाइम्स के इस अवार्ड फंक्शन में मुंबई के हुज हू और सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुंबई को मेरे से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और जिनको मुंबई को जिनसे बहुत ज़्यादा होप है। मैं जब यहाँ आया तभी मिस्टर रसीस जिस तरह से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बात करने से पहले। हालांकि हम पॉलिटिशियन समझते हैं कि हमको बात करना बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरे पास स्किल डिपार्टमेंट है और मैं ओरिजिनली एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मुझे इस बात की समझ है कि स्किल का कितना इम्पोर्टेंस आने वाले समय में है। भारत के अंदर आज कुल मिला के 4 to 5% लोग स्किल्ड हैं, जबकि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये परसेंटेज 40-50 उससे भी ज़्यादा है। सो हमको उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय जो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था वो स्किल डिपार्टमेंट था, और आज भी उनका कहना है कि हमारे पास में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब लोग बहुत कुछ ऑनेस्टली करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर यदि उनको स्किल नहीं किया जाएगा तो मेहनत का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ पर जो इंडस्ट्री के टॉप लोग बैठे उन सब से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मिस्टर वैद्यनाथन आपकी परमिशन लेके एक सरकार की तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी में लूज़ नहीं करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर स्किल के बारे में सरकार करना चाहती है और आप लोगों को भी बहुत स्किल्ड लोग चाहिए। हमारे पास में स्किल सेंटर हैं, आईटीआईज़ हैं, पर वो यदि कोई कॉरपोरेट हाउसेस उसके बारे में थोड़ा पार्टिसिपेशन करे, पैटर्नाइज करे, तो ही वो आगे बढ़ सकेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बोट में ही सवार हो, आपकी अपनी अलग से सब कुछ स्टार्टिंग तरीके से आप कर सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया यहाँ बैठे हैं, यदि वो स्किल के रूप में गारमेंट्स के बारे में कुछ करना चाहें तो वो एक स्किल का बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। आप इंक्यूबेटर्स के रूप में अपने संबंधित बिजनेस में लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे आईटीआई के पास में जगह है, आप जो कुछ चाहेंगे हम उसके अंदर आपके साथ में मिलकर नई आईटीआई भी खोल सकते हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, मेरे लीडर हैं, वो आने वाले थे पर कोई कारणों से नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और जिस तरह से उनको आपने बुलाया था उसका थैंक्स देने के लिए यहाँ पर भेजा है। मैं उनकी तरफ से पुनः एक बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र आपकी कर्मभूमि है, हम सब में से कोई महाराष्ट्र छोड़ के जाएगा नहीं, तो क्यों नहीं इस महाराष्ट्र को, मुंबई को हम अच्छा बनाएं। सरकार अपना काम करती रहेगी पर सरकार कभी भी पूरे रिजल्ट अचीव नहीं कर सकती है जबकि उसके साथ में आप जैसे लोग नहीं हो। हम और आप साथ में मिलकर, थोड़ा फेथ आप हम पर रखिए कि हम नॉर्मल सरकार की तरह ना रखते हुए आपके फ्रेंड्स बन के, आपके एसोसिएट बन के, आपको अपना लीडर मानकर जो आज का सब्जेक्ट है, फ्यूचर लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उसमें काम करना चाहते हैं, आपका सहयोग मिलेगा। इसी विश्वास के साथ में पुनः एक बार ईटी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।